प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के द्वारा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मेहरे में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राजेंद्र गर्ग का कार्यक्रम में पहुंचने पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात का कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने महिलाओं को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस चूल्हों का भी वितरण किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने 698 परिवारों को गैस के चूल्हों के सामान का वितरण किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में पिछले 6 सालों से विकास और समाज का उत्थान हुआ है वे बेमिसाल है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पूरे विश्व में पीएम मोदी ने भारत की छवि इस कदर बनाई है कि सभी भारत की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने गरीब लोगों के लिए भी जीवन बीमा की योजना लाई और लोगों की पीड़ा को समझते हुए जीवन बीमा के लिए स्पेशल योजना लाकर साल के 330 देकर 2 लाख का जीवन बीमा दिया है, जिससे लाखों गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। दिहाड़ी लाता है, मजदूरी करता है, तसला तगाड़ी उठाता है, क्या वो 12,000 रुपए साल के भर पाएगा? भर पाएगा बोलो जरा, नहीं भर पाएगा। तो उसका बीमा कैसे होगा? क्या वो भी हमारी तरह इंसान नहीं है? उसको भी अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आदरणीय मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा। एक गरीब व्यक्ति, पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति भी अपना जीवन बीमा करवा सके, इसके लिए मोदी जी ने उनके लिए स्पेशल योजना लाई और 330 रुपए में, साल के 330 रुपए देगा तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा उसका होगा।